चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या आर की तुलना में नगण्य है, तो उसका कक्षीय वेग क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में स्मॉल जी इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल जी इंटू आर अपॉन टू, और स्मॉल सी है स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी है स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी इंटू आर। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, चलिए देखते हैं। तो देखिए किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या आर की तुलना में नगण्य है, तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? तो देखिए जो कक्षीय वेग होता है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कक्षीय वेग का फॉर्मूला। देखिए कक्षीय वेग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी जीरो बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन में होता है आर प्लस एच, ठीक है। क्या होता है कक्षीय वेग वी नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच, जहां आर क्या है, आर क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, और एच क्या है किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई, ठीक है। किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से सपोज देखिए ये हमारा अगर पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी से, ठीक है, इस पृथ्वी से कोई अगर उपग्रह है कहीं पर, तो उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, उसकी ऊंचाई h है, और पृथ्वी का जो त्रिज्या है वह r है, ठीक है, और ग्रह इस तरह से राउंड कर रहा है पृथ्वी का, तो हम लोगों को निकालना है कक्षीय वेग। देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है, किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या आर की तुलना में नगण्य है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जो पृथ्वी का जो त्रिज्या है उससे उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो h है वो एकदम नगण्य है, नगण्य मीन्स ना के बराबर। जो r है वो मच ग्रेटर देन है, जो r है वो क्या है मच ग्रेटर देन है h से, मतलब r बहुत बड़ा है और h क्या है बहुत छोटा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि नगण्य है, नगण्य मीन्स क्या, देखिए नगण्य मीन्स क्या कि r जो है यहाँ पे मच ग्रेटर देन है, ठीक है, मच ग्रेटर देन है h से, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मच ग्रेटर देन, ठीक है। r क्या है बहुत बड़ा है h से, ठीक है, r हमारा त्रिज्या है पृथ्वी का, और h क्या है उपग्रह की ऊंचाई है पृथ्वी से, तो उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी से वो पृथ्वी के त्रिज्या से बहुत ही नगण्य है। तो हम लोग इस h को अगर कैंसिल भी कर देते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूला में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो h को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नगण्य कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे h को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो h कैन बी नेग्लेक्ट, कैन बी नेग्लेक्ट, एच को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एच को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ तो वी जीरो ही रहेगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, यहाँ पे जी है और आर स्क्वायर है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एच को क्या बोले हम लोग कि इसको नेग्लेक्ट कर दिए, इसको नकार दिए, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। देखिए समुद्र में, समुद्र के पानी में से अगर आप एक चम्मच पानी को उठा लेंगे तो समुद्र के पानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सेम यहाँ पे भी R बहुत बड़ा है और देखिए H क्या है मच लेस देन है, ठीक है, उल्टा से अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन से, तो H क्या है मच लेस देन है R से, तो कोई असर नहीं पड़ेगा H को लें या फिर ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे, इस H को नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, तब R बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में R है दो है और नीचे एक R है, तो एक R को इस डबल आर से एक आर हटा देते हैं। तो यहाँ पे बोलिए अब जो वी जीरो का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ देखिए यहाँ पे जी बच जाएगा और यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला कि एक आर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये किससे मैच होता है, वी जीरो इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर, आप देख सकते हैं इसमें है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।